हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आज की वीडियो में बात करेंगे हम, फ्रिज है घर पर, लाइट जल रही है लेकिन ठंडा नहीं करता है। जैसे कि आपने मेरे टाइटल पर अभी देखा कि 99% लोगों को नहीं मालूम होता है, सिर्फ पता नहीं होती है, जिस कारण से वो अपने फ्रिज को ठीक नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या होती है प्रॉब्लम, चलिए समझते हैं। फ्रिज की लाइट जल रही है लेकिन फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, और बारीकी से देखते हैं फ्रिज के पीछे कंप्रेसर के पास से कुछ आवाज़ें आती हैं। मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर में टिक टिक या फिर कट कट जैसी आवाज़ें आती है और कंप्रेसर वहां पर नहीं चलता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 99% लोगों को सिर्फ नहीं पता होती है, इसीलिए नहीं कर पाता है। चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। उस फ्रिज की कंप्रेसर में छोटी डिब्बी लगी होती है, डिब्बी के अंदर होता है इस तरीके से रिले ओवरलोड, ये कवरिंग है। किसी किसी में खुला होता है तो 2 पार्ट छोटे छोटे लगे होते हैं। दोस्तों, उसमें से 1 पार्ट होता है ओवरलोड, ओवरलोड जो है लोडिंग नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वो बंद और चालू होता है। इसीलिए जो वहाँ पर आवाज़ है टिक टिक आती है, जैसे कि ज़्यादा लोड दिया तो वो बंद हो गया तो टिक किया, और जैसे ही वो ठंडा हुआ फिर से चालू किया तो फिर टिक किया, और लोडिंग नहीं लेने के कारण से जो कंटिन्यू वो पावर सप्लाई कंप्रेसर को नहीं दे पाता है। सिर्फ यही वजह होती है कि फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर के पास जो रिले ओएलपी पार्ट लगी है उसमें से ओवरलोड कमज़ोर हो जाती है तो टिक टिक की आवाज़ आती है। सिंपल क्या करना है, आपको चेक करनी है कंप्रेसर के पास जो पार्ट लगी है रिले ओएलपी, उस पार्ट को नया लानी है, मार्केट से खरीदनी है और उसमें लगानी है, सेम जैसे पहले लगी थी उसी तरीके से लगानी है। फिर देखेंगे कि कंप्रेसर जो है चालू हो जाती है और गैस वगैरह बराबर होंगी तो आपकी फ्रिज जो है पहले की तरह कूलिंग भी करने लगेगा। दोस्तों, मेरी ये जो छोटी सी टिप, छोटी सी जानकारी आपकी काम आएंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। हमारे वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में।